खरगोन जिले में पोस्ट ऑफिस की जमा स्कीम के अंतर्गत एक एजेंट ने लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक एजेंट ने लोगों से रिश्वत लेना बंद कर दी और फरार हो गया। इस दौरान शिवशंकर चौधरी ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और मामले का खुलासा किया। वहीं पीड़ित हितग्राही ने बताया कि 100 से अधिक लोगों की करोड़ों रुपए की राशि लेकर एजेंट चपत हो गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने मामले की पड़ताल करके उचित कार्रवाई की बात कही। ये हमारे पोस्ट ऑफिस में 2012 के जो पैसे थे वो इन्होंने क्या करा कि मैं से पूरा डॉक्यूमेंट ले गए, उसको पलटाना है उस हिसाब से मैं पूरा डॉक्यूमेंट ले गए, उसके बाद से गायब है। और लगभग 2012 से उनके पास कोई हिसाब नहीं इस चीज़ का। मैंने मोहन चांदोले से भी बात करी, जो उनका केस है तो वो भी बोलता कि मेरे को नहीं मालूम। तो ये क्यों आप नहीं किया कि हमको नहीं मालूम? अरे भैया तुमने नज़र रखोगे तो क्या हमको बोलता है वो कि तुम नज़र रखो? हमारी 11.5 लाख के करीब है प्लस उसका ब्याज है। कब से जमा कर रहे थे आप? ये हमारे तो 2006 से है, उसके बाद में फिर वो पलटा है तो पलटाने के नाम से हमारे से पूरा डॉक्यूमेंट ले गया वो, उसके बाद तक आया फिर। इसमें और भी लोग हैं? FIR डाल दी है। अच्छा, इसमें और भी लोग हैं? बहुत से कम 15-20 जने लोग हैं। अभी तक कम से कम 15-20 आए हैं और अभी आना बाकी है। मतलब कितने रुपये ले गए ये? ये लगभग तो 3-3.5 से 4 करोड़ के बीच का मामला है। आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, FIR दर्ज करवा दी हमने। देखिए, करीब 5-6 दिन पहले एक दूसरी थाना कोतवाली में दर्ज की गई थी। 10 जगदीश पाल थे जो दूसरी पोस्ट ऑफिस में एजेंट थे, लोगों के पैसे लेते थे और उनके पैसों को जमा करके उनको रसीद और पावती देना चाहिए और उनकी जो पासबुक रहती है उसमें एंट्री कराना चाहिए। तो जब वो मिस हो गए और उनकी जांच पड़ताल हुई तो ये पता पड़ा कि वो कई सारे लोगों के पैसे उन्होंने जमा नहीं किए थे। और मोहन चांदोरे एक एजेंट हैं यहाँ पास पोस्ट ऑफिस के ही, उनके साथ वो काम किया करते थे। जब और उसमें जांच पड़ताल की गई तो पता पड़ रहा है कि वो अपने फ़ोन बंद करके और यहाँ से शायद MP छोड़ दिया है, महाराष्ट्र में कहीं हैं वो। उसके बाद उनकी कोई पता चल नहीं पाया कि वो कहाँ है। और काफ़ी सारी राशि भी गबन है और दस्तावेज भी ऐसे लग रहे हैं जो कि फर्जी तरीके से पोस्ट ऑफिस के बनाए गए हैं। तो ये पूरा मामला है, इसकी जांच चल रही है। तो इसमें संबंधित जितने लोग हैं जो इसमें आरोपी होंगे या जिन्होंने बदमाशियां की होंगी उन पर कार्रवाई की जा रही है। कितने करोड़ की राशि का गबन है सब कुछ जी? ये हमारे पास कोई डाटा नहीं। थैंक यू। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।